कहूंगी लगे दाल दाल बना रही हूँ मैं आज मूंगी मसरी की और इसके साथ चावल बना रही हूँ। यहाँ पे मेरा तड़का जल गया यार, वीडियो बनाते बनाते तड़का ही जल गया है। खाना वगैरह तो बना दिया है, बाकी निखिल भी यहाँ पे आ गए तो देखो कैसा घोंसला बनाया इसने अपने लिए। कौन सा घोंसला है निखिल? ये चिड़िया का। चिड़िया का नहीं, सांड का। तो गाइस अभी आ गई हूँ मैं छत पे। आज बहुत अच्छी धूप आई है, मजा ही आ रहा है धूप सेकने का। मतलब दो चार दिन बाद इतनी अच्छी धूप आई है। अभी मैंने बनाई है मैगी। यहाँ पे निखिल बैठा हुआ है, क्या कर रहा है? अरे क्या जलन हुई यहाँ पे एकदम से, ऐसा लगा मधुमक्खी ने काट लिया। मजा हुआ मधुमक्खी ने काटा तो। मैं तो मैगी खा रही हूँ गाइस, जो निखिल मेरे को परसों लाया था ना। गाइस यहाँ पे हम लोगों ने ना टेंट बनाया अपना, ये देखिए झुग्गी, ये है निखिल के झुग्गी, टेंट बोलते हैं इसको। ये हमने इसलिए बनाया है क्योंकि हम कसौली शिमला यहाँ वहाँ नहीं जा सकते ना कैंपिंग करने, कैंप करने। तो फिर हमने सोचा चलो यहाँ पे कैंप बना लेते हैं। हम यहाँ पे कैंप बना लिया हमने और साथ में हम खा रहे हैं मैगी और ये हमारे पहाड़ है घर। कुछ भी नहीं, कुछ भी बोल रहा है। गाइज ऐसे बोलती है ये कि मैं डाइटिंग पे हूँ और यहाँ पे मैगी खा रही है, शर्म कर ले कुछ। सूप खा रही हूँ। सूप खा रही है मैगी, ये तो मैगी खा रही है तू तो। अच्छा अच्छा अच्छा, अभी चम्मच चेंज कर लिया तूने अपने। बड़े अच्छे है तू, देख लो गाइज इसकी हरकत है डाइटिंग पे। तू नीचे बैठी है अभी बाहर एकदम फर्स्ट क्लास, मस्त पता नहीं क्या ढूंढ रही है गलियों में। गलियों में क्या है? मैं आसमान में देख रहा हूँ। ये देखो गलियों पतंगे उड़ रही हैं गाइस, पतंगों का मौसम आ चुका है तो पतंगे उड़ रही हैं। कैसी लग रही है पतंग? अच्छी लग रही है। मेरे शूट खत्म होने दे, फिर मैं भी पतंग लेके आऊंगा और फिर उड़ाएंगे हम, ठीक है? हवा क्या, हम ऐसे उड़ा देंगे बिना हवा के, फूंक मार के हल्के करके उड़ा देंगे और क्या। सही बात। बच्चों को छेड़ रही है मम्मी। फिर पीछे हो गया उसकी मम्मी के बाद में। बच्चे यहाँ पे बना रहे हैं पेंटिंग, बहुत सुंदर पेंटिंग बनाई है बच्चों ने। कौन है निकी? पता नहीं कौन है। मैं बताऊं कौन है? ये सुभाष चंद्र बोस है, ठीक है? इतना ध्यान नहीं पता तुझे? अभी गूगल मार के जो तूने सर्च किया है वो। मैंने कोई गूगल नहीं मारा है, ठीक है? अच्छा। क्या प्रूफ है मैंने अच्छा। गूगल मारा है? झूठ मत बोल, ठीक है? वो तो मुझे पता है कितना सच बोला है कितना झूठ बोला है, मुझे पता है। बस बस मुझे पता है, बस बस ठीक है, बस कर, ज्यादा नहीं बन तू यहाँ पे, मुझे पता है। आई एम वेरी वेरी इंटेलिजेंट प्रो है। और क्या, ठीक है चल। तो गाइस हमें 26 जनवरी की वीडियोस बनानी है, हमें कुछ आइडिया नहीं आ रहा है। अगर आप कुछ आइडिया दे सकते हो हमें तो प्लीज यार कमेंट करके बताओ हम क्या वीडियो बनाए, ऐसा क्या क्रिएट करें जिससे हमारे क्या हुए फॉलोवर्स बढ़ जाए। तो प्लीज यार कुछ तो कमेंट कर दिया करो, इतने लोग हमारी वीडियो देखते हैं यार, कमेंट क्यों नहीं करते हो आप लोग? उनकी मर्जी क्यों, कर सकते हैं फिर वीडियो क्यों देखते हो हमारी? उनके हाथ घिसते हैं। घिसते आपके हाथ घिसते हैं क्या? यहाँ तक अपने चल देंगे, अपने फ्रेंड्स हैं वो तक नहीं हमें मैसेज करते हैं, कमेंट करते हैं, ये करो वो करो। क्या तुम्हारे पास थोड़ा सा दिल नहीं है? नहीं है ना, कठोर दिल है तुम्हारे में। होता तो कर देते ना। यहाँ तक मेरी फ्रेंड भी इतनी सारी वीडियोस देखती है मेरी, तो एक मैसेज नहीं आता। तेरे फ्रेंडों को तो मैं बोल सकती हूँ कि नकारे हैं, पर मेरी भी तो महानकारियां हैं। रीचू रोटी सब्जी मैंने बना ली थी, रोटी रीचू बना रही है तो मैं नीचे से ले आता हूँ चटनी। ये कह रही मुझे चटनी खानी है तिल वाली, तो तिल वाली चटनी होती है बहुत अच्छी लगती है। मुझे फंसा रहा है, खुद इसको अच्छी लगती है भंग और तिल वाली चटनी। चलो मुझे अच्छी लगती है, मैं नीचे से लेके आ जाता हूँ। तब तक रीचू यहाँ पे बना रही है रोटी, एकदम गोल गोल बनाइयो अपने मुंह जैसा। अच्छा। तो गाइस नीचे से मैं आ गया हूँ, एक में है राजमा की दाल और चटनी,
यार थर्ड फ्लोर होता है, थक जाता हूँ बहुत ज्यादा। एक चीज लेने जाता हूँ वो मेरे को दो चीजें पकड़ा देते हैं हमेशा की तरह। पानी लेने जाता हूँ उसके साथ कुछ और पकड़ा देते हैं। तो मैं चटनी लेने गया था तो उसके साथ मुझे राजमा की दाल भी पकड़ा दी। तो अभी ला के यहाँ रख देता हूँ मैं इसको ऐसे। रिचू ले आया मैं सब कुछ और यहाँ पे रख देता हूँ। मैं आपको दिखाता हूँ कितनी अच्छी बनी है। और रिचू ने भी यहाँ पे रोटियां बनानी स्टार्ट कर दी है। ये देखिए जल्दी जल्दी रोटियां बनाती है ये हर टाइम। ढंग से बनाया कर, तू बना के दिखा दे मुझे। जल्दी जल्दी रोटियां बनाती है, देखो गाइस एक भी रोटी गोल नहीं होगी। चल सीख जाएगी, कोई बात नहीं, चलो कोई बात नहीं। बाकी हमारी ये सब्जी है जो कि बहुत गंदी लग रही है मुझे दिखने में, क्योंकि इसने सारा काम खराब किया है ना। इसने बताया मुझे कौन से मसाले डालने हैं कौन से नहीं, और ये अपने आप लग जाती है मसाला डालने। सेफ कौन था? जब मैंने तेरे को बोला था कि मैं बनाऊंगा तब तुमने क्यों उसको, जब गाइस ये ना बनाने टीवी देखने बैठ गया उस टाइम बनाने नहीं आया। अच्छा अब तो झूठ बोलेगी भाई। जब कुछ भी खराब होता है ना फिर बोलती है निखिल ने बनाया है, जब कुछ सही होता है तो बोलती है मैंने बनाया है, तब नहीं बोलती निखिल ने बनाया है। तो खुद खराब किया और बोल रही है निखिल ने खराब किया है। जो करते चलो ऐसे उसको लग रही है खराब, बट लेकिन जब मैं खाऊंगा ना फिर आपको बताऊंगा कैसी। जला दी रोटी। वाह इसको रोटी जलना नहीं बोलती, इसको रोटी पकना। अच्छा ज्यादा सेक दी लग रहा है। पकड़ना कहते हैं ज्यादा मत बनिया। तू ना फालतू मत बोला कर। देख ले आटे के हाथ लगाऊंगी। लगे हट जा। रोटी खानी स्टार्ट कर दी है। तो देखो सबसे पहले रीचू ही खा रही है और ये तो वैसे भी बेइज्जती करती है मेरी, तो देखते हैं कैसे इसको टेस्ट लगी। तो गाइस मैं खा रही हूँ अभी, सच्ची में बिल्कुल भी टेस्टी नहीं है। तू खा के देख, खा के देख सही में। I want to try. नमक ही नहीं है। किसने कहा? तो क्या कमी है? सब कुछ तो है। मेरे को तो बिल्कुल टेस्टी नहीं लगी। तो तुम चटनी के साथ खा लो भाई, सब कुछ ओके है। खाया और मैडम जी को लग गया गोलगप्पों की क्रेविंग। कहती मुझे क्रेविंग हो रही है गोलगप्पों की। इसने तो मेरा जीना आराम कर दिया है ऐसे तो। अभी इसने रोटी खाई है, फिर इसको लग रही है गोलगप्पे की क्रेविंग। तो ऐसे तो ये सारे पैसे इसने कभी गोलगप्पे कभी कुछ। अभी खाना खाया था इसका, मैं क्या करूं इसको थोड़ा समझाऊं तो इसका मुंह टेढ़ा हो जाता है कि मुझे क्यों बोल रहे हो भाई। मेरे को क्रेविंग होती है, मुझे खाने होते हैं। सुबह से पता नहीं क्या करती है ये। और अभी कितना टाइम हो गया है, खाना खा लिया हमने, डिनर कर लिया है, मेरे को घर निकलना है, पर इस मैडम को क्रेविंग हो रही है गोलगप्पों की। भाई मैं क्या मतलब इसको कोई चीज समझाओ ना, इसको गलती लग रही है। क्या झूठ बोल रहा हूँ मैं? तो सच्ची है, मैंने इसको ये बोला कि कल के गोलगप्पे तूने खिलाया नहीं, खाना खा लिया ना। अब भाग क्यों रही है? पक्का देख रहा है, लेके जा रहा हूँ अपने घर पंचकूला। तो अब मैं आपको मिलूंगा 3-4 दिन के बाद, क्योंकि मेरे शूट आ गए हैं बहुत सारे। बीच बीच में मिलता रहूंगा मैं आपको। बाकी घर से रिचू रहेगी और वहां से मैं रहूंगा। तो मेरी तरफ से बाय बाय गाइस, सब्सक्राइब कर देना यार, बाय। तो गाइस निखिल तो चले गए अपने घर पे क्योंकि कल उसका शूट है, उसने बताया आपको। तो अभी मैं भी ऊपर आ गई हूँ। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हो तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को भी प्रेस कर दो। मिलते हैं हम आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस। बाय बाय, सब्सक्राइब जरूर कर देना, लाइक शेयर कमेंट भी कर दिया करो।